तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय स्वामी। मैं सुबह हो गई है और मैं फ्रेश भी होकर रेडी हो गई हूँ पूजा करके। और यहाँ पे मेरे आरू है ना, वो भी एकदम मस्त रेडी हो गई है ना, धोकर है ना आरू। काई क्या जाऊ छे तारे? कोने पासे जाऊ छे? मम्मा पासे जाऊ छे। वाह क्या बात है। उसको मैं बताया ना कि चला ले जाना है, तो एकदम खुशी कोई नहीं कर ली थी, वरना तो थोड़ा बहुत हैरान करती है सबको। तो डायरेक्ट चलते हम किचन में, क्योंकि विशाल ऑलरेडी किचन में मेरे पहले पहुंच गया इसलिए। और यहाँ पे दूध और भाकरी भी रेडी है, और यहाँ पे विशाल बैठ गया, चादर भाकरी खा रहा है। हेलो विशु, जय स्वामीनारायण, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस बढ़िया। चला ला जाना है ना? थोड़ा वर्क है वहाँ पे, जाऊंगा आज। ओके, तो चलिए नाश्ता भी रेडी है, तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। हमने सबने मस्त नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे हमारे आरू वापस खेलने शुरू हो गई। आरू हेलो, हाय, जय स्वामीनारायण, गुड मॉर्निंग। तो चले नाश्ता कर लिया। और हाँ, एक बात मैं बोलना ही भूल गई, क्योंकि आरोही को चला लेकर जाना है। विशाल बाइक लेकर जा रहा है, तो उसके साथ आरोही को भेज रही है। तो जीजा बोल रहे अकेले नहीं भेजना है, तुम उसके साथ आओ, क्योंकि बाइक पे अकेले नहीं आरो बैठ सकती ना, इसलिए। तो वापस मैं भी उसके साथ चला ला जा रहा हूँ इसलिए। तो चलिए, तो मम्मी अकेले है, तो फटाफट से काम करके जाओ, तो मम्मी को वासन कपड़ा ही रहे, तो झाड़ू पोछा लगा कर जा रही हूँ मैं। तो फोन रखती हूँ साइड। काम हो गया, मैं फ्री हो गई हूँ। और विशाल जा रहा था आरू को लेकर चला गया, तो उसके साथ वो जा रही है, मासी कर रही है, रड़ने लगी, तो इसलिए मुझे उसके साथ जा रहा था पे रखना चाहिए। तो चले चलते और वहाँ पे जाते, सबको मिलते हम, चला लगा हर खाई जा। अभी तो हर खा गया। आरू क्या जाऊ छे? हे आरू चला ला जा। कोने पासे जाऊ छे? मम्मा दौड़वा मिली जाओ के लेके। तो चलो वहाँ पे जाके सबको मिलते, और मम्मी अपना काम कर रहे, और मैंने तो झाड़ू पोछा लगा दिया है फटाफट से, मम्मी अकेले थे ना इसके। तो चलो यहाँ पे माँ बेटे का मिलन हो रहा है। क्या गई उसके पापा के पास? अच्छे से वापस मिलना हो गया। मैं नहीं आने वाली थी, पर मगर वो गाड़ी अकेले नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। यहाँ पे मम्मी क्या थे वीरा लेने के निकी घर काम तो जी वो राजकोट जोड़े जैसे। यस, नेक्स्ट टाइम साथ में जाएंगे, क्योंकि अब एंगेजमेंट आ रही है ना, थोड़ा बहुत काम था इसलिए। यस नाटलत ने चाला कोई बहुत काम पता है हमें नाटला। यहाँ पे डिंगली मम्मी तो कहते समझ गया, बताइए। हाँ एक लाते ही क्या मम्मी कहे और निराल ले रहे हैं बड़ा ही गम तो नहीं गम तो नहीं तेल के मार एक लोग करो कोई टाइम जाए नहीं बड़ा एक लेते के गाड़ी पर आया हम लोग के ट्यूबल में आटल बस मराव पड़ो घर के। यहाँ पे दोनों बहन बैठ गई, ये काम करते थे हूँ काम करी ना कचरे पोता ने तो कर वासन कपड़ा कर रहा था निकले गया। केक मजा है बेटा, वो मजा है। ये तरवाटे चप्पल इधर ना आओ भी बताओ सु बात छे चप्पल चप्पल। आरु तो क्या है भी यारु अरे ये तो मजा है बेटा ने। क्या तो क्या गई फरवा गई थी मैं नसी में पुल है ये तो नहीं खा दो मैगी खा दी। अरे वाह वाह, यहाँ प्यारू के लिए गिंजा चप्पल लेकर आई, क्यूट क्यूट
अरे वाह तो मस्त आ गई जो अरे वाह यारू मासी बताओ मासी ने आई आई अरे वाह दिल्ली तो मस्त लागे छे मैचिंग के चप्पल चलो हिते आई मस्त मां बाबू जी चप्पल ना ना चप्पल लीधा मासी खबर चकली को तो चलिए हम फाइनल जलाला पहुंच गए जो भी होगा आपको दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पे किंजल ने सारी सब्जियां लेकर मस्त वॉश कर दी मेरी तरह किंजल भी सीख गई वो भी बोल रही कि तुम्हारी स्टाइल मैंने अपना ली और लोग की सब्जी बनाने वाले हैं दाल चावल सब्जी रोटी क्या बात है तो दाल चावल उसको तो अच्छी तरह से खा सकते दाल चावल होता है ना तो दाल बोल हो गई है तो चावल बनाना बाकी चावल ले लिया है और यहाँ पे दोनों बच्चों देखिए कितना शोर मचा रहे दोनों। तो हम आ गए रूम में और यहाँ पे किंजल ने आरुवी का जो कबाट है ना वो निकाला है डगला कर दे कपड़ा का तो संकेलना है और बाद में किंजल क्या करना है मेरी भी तेजरी ठीक करने जितना टाइम मिला ना उतना करेंगे ओके उसके बाद और साथ में पैकिंग भी करते जाएंगे ना अमरेली लेके अमरेली से जाना है इसे अलग करना पड़ेगा यस चलिए स्टार्ट कर देते हैं हेलो हाय हेलो तो अभी देखो अभी अभी रोही का कबाड़ अभी ठीक कर रहे हैं विराली नहीं आने वाली थी तो अभी आ गई है वैसे भी मैं करने ही वाली थी आज क्योंकि दो तीन दिन के बाहर जाना है अमरेली तो अभी ये सब ठीक करूंगी अभी विराली साथ में अच्छा लगता है अब तो ऐसे ही साथ मिलकर रहना है ना अब तो हमारा मिलना जुलना तो ऐसे रहेगा यहाँ पे आता है ना काम करने के लिए तो जब भी मुझे मन होगा तो उसके साथ मैं यहाँ पे आ जाऊंगी अब विराली का मैरिज नहीं होगा तब तक तो ये रहेगा ही उसके बाद तो कब मिलेंगे पता नहीं तो देखते जाएंगे मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो यहाँ पे मैं आती रहूंगी। यहाँ पे दोनों बहन ना वो खेल रही है मेरुई क्या कर रही हो दोनों क्या है वो नैन बॉल के साथ खेल रही है उसको तो मैंने सब्जी का उगा कर लिया है लौकी और आलू की और यहाँ पे दाल रख दी उबालने के लिए तो दाल का तड़का लगा लूंगी ढक्कन रख देती हूँ उसके बाद मैं फ्री हूँ ना तो यहाँ पे फटाफट से धनिया कटिंग कर लेती हूँ और किंजल कुछ काम आ गया तो रूम में है तो आएगी तो भी मेरी हेल्प करेंगी तो चलो और किंजल ने रोटी बनाकर रेडी कर ली मकई की रोटी है वो यहाँ पे मकई की रोटी बना रहे किंजल तो मैंने बोला कि मुझे भी चखनी है दोनों के लिए मकई की रोटी बना रही किंजल ने और मैं भी खाने वाली हूँ किंजल देखते कैसी लगती है कैसी लगती है खाने में किंजल बहुत अच्छी लगती है स्वीट लगती है बहुत अच्छी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे चखने वाली हूँ और वापस जो मुझे अच्छी लगी ना तो मैं भी ये रोटी बना कर अमरेली खाने वाली हूँ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है हम जो गेहूं की रोटी खाते ना उसकी बजाय ये रोटी अच्छी होती है सेहत के लिए तो मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ पहले तो मैं चख लेती हूँ यहाँ पे कैसी लगती है तो बाद में मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको मैं दिखाऊंगी जरूर। तो चलिए पे आरो बार मेरे वेट कर रही है उसको शाक रोटी खाना उसको भूख लगी है ना इसलिए तो चलो फटाफट उसको मैं खिला देती हूँ बाद में हम सब लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे तो सारा खाना बन गया ऑलरेडी तो चलो। तो यहाँ पे मासी भगवान का थाल रेडी कर रहे हैं रोटी सब्जी दाल चावल माँ बेटी दोनों भगवान का थाल रेडी कर रहे हैं माँ बेटी की तरह हम रहते हैं इसलिए तो माँ बेटी बोल रहे हैं सास है मेरी ऐसे ही रहना चाहिए ऐसे ही रहना चाहिए मजा आता है यस यस। तो ऑलरेडी भगवान का थाल रेडी हो गया यहाँ पे तो चलिए सबको मैं भूख बांटती हूँ हाँ भूख लग गई खा दो आज तो मैं भाकरी घरे खाई नहीं पहली बार हूँ पहला टाइम पर मग खाओ ताजा यहाँ तो मैंने भाकरी खाई लो हलो मैं तो ताली रोटलो खा दो मम्मी रोटलो बना अच्छा रोटलो हूँ अच्छा केव भाव है टाइम आ बीजू हूँ चलिए सबको भूम पाड़ कर आती हूँ खाने के लिए यहाँ पे सब लोग बैठ गए इसलिए चलो जम्मा बधाई।
चलो हर हर जीनी बहन जमी लीधु हाँ तो चलिए यहाँ पे भगवान को थाल भी रख दिया है तो सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और देखकर के बात फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मस्त आराम कर लिया और बजे शाम के 5 और वापस हम रूम में आ गए और वापस काम शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत जो बाकी था ना पेंडिंग किसी का कपड़ा अलग निकल रही हूँ यस और सब कपड़े कल गए थे तो बहुत सारे कपड़े थे तो यस तो वो अपने अपने जगह में रख रहे हूँ यस यस तो वही काम कर रहे हैं और ज्यादा कुछ काम है नहीं थोड़ा बहुत है देखो मुँह भी हमारा सूज जाता है मेरा भी होता है सूज जाता है मुँह मेरा। तो हम रेली आने की पैकिंग कब करने वाले कल कल अब, करूंगी अभी कल सब अच्छे से रखेंगे ओके ओके कोई बात नहीं चलिए चलिए कंटिन्यू करते थोड़ा बहुत जो है तो निपटा लेते हैं। आ गए हूँ किचन में और सबको मुमरा की भेड़ खानी है तो मुमरा वगैरह है नहीं तो यहाँ पे मैंने मुमरा ले लिया है पहले वगैरह पड़ेगा यहाँ पे मैंने देर रख दिया है और कड़ी पत्ते लिया है क्योंकि घर के ही है ना कड़ी पत्ते इसलिए तो फटाफट से लेकर आ जाती हूँ मैं। तो चलिए पहले मुमरा वगैरह लेती हूँ उसके बाद मुमरा की भेड़ बनाएंगे और सब लोग मस्त एंजॉय से खाने वाले हैं आज तो मुमरा की भेड़। तो यहाँ पे मैंने भेड़ बनाकर रेडी कर ली मुमरा की तो चलो सब खा लेते हैं और यहाँ पे किंजल मैडम भी आ गए खाने है ना मेरा भी काफी हो गया क्या बात है अच्छी बात है खा लेते हैं। तो मिर्ची डालना है मिर्ची टिक्की बनानी है स्पाइसी तो चलो डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पे किंजल बैठ गई है भिंडी की सब्जी कटिंग करने के लिए और आज भी कटिंग कर ली है तो सब्जी आज रात को बनाएंगे यस क्योंकि 2 दिन से बाहर खा रहे हैं तो भिंडी की सब्जी और रोटला खाएंगे यस तभी अच्छा लगता है खाना खाता है तभी अच्छा लगता है मतलब बाहर जहाँ पे आप जाओ लेकिन घर का खाना जैसा कहाँ पे भी नहीं मिलता यस राइट वो तो बात सच है फ्रेश होता है वैसे तो मसाला भी कम डालते नहीं बाहर मसाला बहुत डालते हैं यस यस पेट में जलन होता है तो भिंडी की सब्जी बजाय रोटला ना रोटला ओके चलिए और आज शाम को क्या प्रोग्राम है आइसक्रीम का आइसक्रीम वाला है ना कोठी आइसक्रीम यस यस मेरा बहुत फेवरेट आइसक्रीम तो सबको अच्छा सबको अच्छा लगता है यस तो बनाएंगे आज नहीं तो चलो सब्जी तू कटिंग कर ले वगैरह मैं करूंगी सब्जी का ओके चलिए फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए और यहाँ पे मास्टर सोमवार है तो उसके लिए आलू बॉयल कर लिए उसके लिए सूखी भाजी बनानी है और यहाँ पे किंजल ने सब्जी कटिंग कर दी भिंडा की तो वगैरह है तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है तो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि सबको अच्छा अच्छा लगता है जब पहली बार आई थी ना तब सबको बहुत अच्छा लगा था जो कब घर लेती हूँ और बाद में बनाएंगे सूखी भाजी और चलिए यहाँ पे किंजल मैडम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है वाशिंग मशीन चढ़ा रही है किंजल मैडम खाना भी बन रहा है साथ में यस दोनों काम साथ में हो रहा है साथ में हो रहा है यस मम्मी और पापा गए अभी आरोही को लेके गार्डन में क्या ताकि क्या है कि तो फ्रेश हो जाए यस 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 राइट तो ये जाएगी ट्यूशन गई है लेने के लिए गई है यस आ जाएगी भगवान की आरती भी करी यस चलो भगवान का दर्शन कर लेते हम आज भी साथ में माता जी का भी दर्शन कर लेंगे हम सरस्वती माता जी की भगवान चलिए ऑलरेडी मेरा खाना तो बन रहा है सूखी भाजी बन गई है और यहाँ पे सब्जी भिंडा की पक रही है और यहाँ पे दूध रख दिया है आइसक्रीम बनाना ना इसलिए उसपे गर्म करने के लिए उबालने के लिए और यहाँ पे सूखी भाजी बन गई उसको ढक्कन ढकना फिर बाकी है यहाँ पे छाया हो रही है मस्त गर्मी सर्दी कटी है दूध से ज्यादा लोग सब लोग छाछ पी रहे हैं गर्मी है ना तो अच्छा नहीं लगता तो दोनों टाइम दोनों सब लोग छाछ पी रहे हैं छाछ ज्यादा जरूरत पड़ती है यस यस बड़ा भर दिया छाछ का थोड़ा पानी आएगा घटती है और यहाँ पे दूध उबलना शुरू हो गया है आइसक्रीम के लिए सब्जी पक गई है तो मैं इसकी वेट कर रही थी तो हम छाछ डाल लीजिए चलिए कुछ बन गया है खाने में सिर्फ रोटला बाकी है तो मासी भी आ गए तो यहाँ पे रोटला बनाना शुरू कर दिया है टपटपे के साथ जब मासी रोटला बनाते हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है मासी रोटला नु काम टपका नु नहीं और अभी किंजल आरोही को खाना खिला रही है अब एक गया तावड़ में रोटला यस तो सिर्फ रोटला बाकी था तो बन रहा है यहाँ पे जमी ली है यस बाट का मेरा भी मैंने ले लिया है तो चलिए फाइनली सब लोग खाते मस्त एंजॉय से वीडियो कमेंट कर तू लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बाय।